हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तकिए को साफ़ करने का बहुत ही सिंपल तरीका। तकिए को हमें रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑयल के और काफ़ी सारे स्टेन आ जाते हैं जिसकी वजह से हेयर इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, ये तकिया काफ़ी पुराना है। मैं इसे रेगुलर बेसिस पे क्लीन करती हूँ बट फिर भी इसमें काफ़ी सारे दाग आ गए हैं। और आप मेक श्योर करें जब भी आप कोई तकिया धोने के लिए निकालें तो वो माइक्रोफाइबर का होना चाहिए, ऊन वाला तकिया नहीं धोया जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये तकिया लिया है और इसे मैं क्लीन करूँगी वॉशिंग मशीन में। बहुत ही सिंपल स्टेप है और आपका तकिया बिल्कुल नया हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक ही तकिया आज धोने के लिए निकाला है तो इसे मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। ये मेरी IFB की वॉशिंग मशीन है, फ्रंट लोड है। तकिए को मैंने वॉशिंग मशीन के अंदर लोड कर दिया है और अब इसमें जो चीज़ें हम ऐड करेंगे वॉश करने के लिए वो है बेकिंग सोडा। तो ये हाफ कप बेकिंग सोडा है, इसमें डालेंगे विनेगर, साथ में फैब्रिक सॉफ्टनर, डिटर्जेंट और ये है बोरेक्स। इसका पाउडर भी मिलता है और इस तरह के क्रिस्टल में भी ये मिलता है, तो इसका पाउडर करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा इसमें जो नीचे चूरा है उसे ही मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 टीस्पून के अराउंड इसमें ऐड करना है। तो बेकिंग सोडा में मैंने ये ऐड कर दिया है, साथ ही आप इसमें डिटर्जेंट डाल दें। जिस तरह का भी आप डिटर्जेंट यूज़ करते हैं अपनी मशीन में, आप लिक्विड डिटर्जेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को मैंने यहाँ पर डाल दिया है, साथ ही इसमें डाल दूँगी हाफ कप विनेगर। विनेगर से इसमें बहुत अच्छा सा रिएक्शन होगा जो हेल्प करेगा तकिए को क्लीन करने के लिए। साथ ही डाल दिया है कंफर्ट सॉफ्टनर जिससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी, साथ में फैब्रिक को सॉफ्ट भी करता है। तो यहाँ पर मैंने इसे क्विक मोड में लगाया है और टेम्परेचर, इसको गर्म पानी में हम वॉश करेंगे तो मैंने इसको हॉट साइकिल दिया है। तो यहाँ पर बस ये क्लीन हो जाएगा और ड्राई भी हो जाएगा ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक। तो अब क्लीन होने के बाद ये तकिया इस तरह से है, इसमें कोई भी पानी इस तरह से नहीं निकल रहा है बहुत ज़्यादा। तो बस इसे हमें सन ड्राई करना है और आप मेक श्योर करें जब भी आप तकिया वगैरह वॉश करें तो उस दिन अच्छी धूप होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से अंदर तक सूख जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तकिया बिल्कुल क्लीन हो गया है। थोड़े बहुत इसमें दाग हैं पुराने, वो रहेंगे, वो किसी स्टिकर वगैरह के हैं, बट ऑलमोस्ट ये सारा क्लीन हो गया है। और सबसे बड़ी बात, ये जर्म फ्री हो गया है और जो इसमें स्ट्रेन वगैरह था वो भी काफ़ी हद तक निकल चुके हैं। और ये काफ़ी फ्लफ़ी भी हो जाता है जब वॉश हो जाता है और ड्राई होने के बाद में। तो आप इस तरह से रेगुलर बेसिस पे अपने तकियों को क्लीन कर सकते हैं, इससे काफ़ी सारी जो स्किन डिजीज़ हो जाती हैं उससे भी आप बच सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें।